भाई निकली थार लेफ्ट में रखना भाई। और भाई ये, भाई ये एक्सपेक्टेड नहीं था पहले गियर में, फॉर्च्यूनर देखिए आप, ये भाई अब केतन भाई आपका क्या रिएक्शन है बताइयो भाई? डीजल से अच्छी है भाई, डीजल से अच्छी है। हाँ भाई ये एक रिएक्शन है सारे भाइयों से कि जो अपना डीजल वेरिएंट है थार उससे अच्छा टॉर्क पेट्रोल वाली में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल कार इन्फो मेनिया में। भाई ले लो साइड में लगा लो भाई, हमारे पास ये अपना नया लेटेस्ट मॉडल थार का, अभी भाई जस्ट 15-20 दिन हुआ गाड़ी को, 2022 वेरिएंट है। हालांकि कोई फर्क नहीं है भाई 2021 और 22 वाले में, तो अपना 4x4 आता ही है भाई, थार आपको दिख रही है। साथ ही हम लोग फॉर्च्यूनर भाई नई वाली, तो भाई इनकी ड्रैग रेस आज कराने वाले हैं, पूरी वीडियो में मज़ा आने वाला है, वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर भाई गैप बना देती है, हालांकि फॉर्च्यूनर भाई ज़्यादा महंगी है, बजट ज़्यादा है, इंजन का भी फर्क है, स्क्रीन पे डाल दूंगा भाई इंजन स्पेसिफिकेशन दो है, लेकिन भाई महिंद्रा थार जो है वो भी कहीं पीछे नहीं है। अब भाई इसमें तर्क वितर्क ये आते हैं कि भाई थार जो है वो ऑफ रोडिंग के लिए बनी है, रेस के लिए नहीं बनी, लेकिन भाई टक्कर दे जाती है। थार स्कॉर्पियो वाली वीडियो भाई ऑलरेडी अपलोडेड है, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप सभी का आया, 1 मिलियन प्लस व्यूज़ है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद डिमांड आई कि भाई फॉर्च्यूनर और थार की वीडियो लाई जाए, तो फॉर्च्यूनर और थार की वीडियो लेके आ चुके हैं, दोनों गाड़ियाँ बराबर में खड़ी हैं भाई। और अब पहले एक बार नॉर्मल मोड में बिना 4x4 चला के देखते हैं फॉर्च्यूनर वर्सेज थार, थार के में हम 4x4 लीवर नहीं लगाएंगे, तब कितना गैप बना पाती है, और उसके बाद देखते हैं कि 4x4 के साथ कितना गैप बनाती है। और यहाँ पे भाई जो थार है अपने पास वो ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट है, तो उसमें पॉइंट ये भाई मैनुअल और ऑटोमेटिक, क्योंकि ऑटोमेटिक में ज़्यादा टॉर्क बताते हैं कि भाई ऑटोमेटिक वाले वेरिएंट में ज़्यादा टॉर्क आता है, चाहे वो XUV700 हो चाहे थार हो, तो महिंद्रा टॉर्क अच्छा प्रोवाइड करता है ऑटोमेटिक वाले वेरिएंट में। तो भाई फॉर्च्यूनर तो आपने देख रखी है, शॉर्ट्स में डाल दूंगा। यहाँ पे भाई अमन भाई, भाई अमन भाई अपने नंबरदार अपने एरिया के भाई, तो ये इनकी थार है और ये चलाने वाले थार अपना भाई टॉप वेरिएंट है पेट्रोल में ऑटोमेटिक, ओके। हालांकि मैनुअल भी होके चलती है, तो उसमें भी देखेंगे अगर ड्राइवर, अभी भाई 4x4 एक्टिव है, अभी एक्टिव नहीं है, 4x2 है, तो अभी भाई 4x2 चलाएंगे। आप देख रहे हैं भाई बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन। भाई थार अपने कितने किलोमीटर चल गई होगी भाई? अपनी चली है 300 किलोमीटर, मात्र 300, पहली टंकी भी खाली नहीं हुई। चलो भाई पहले बात तो थैंक यू यार, आप मतलब आ गए, टाइम निकाला उसके लिए। और भाई इंटीरियर आप देखिए, टॉप वेरिएंट है, ऑटोमेटिक 4x2 लीवर है, अभी 4x4 एक्टिव नहीं है। तो अब भाई सीधा चलते हैं और देखते हैं कौन सी गाड़ी आगे निकलती है। तो भाई अपने को मतलब वहाँ तक ही बताए, वहाँ जो गाड़ी है ना, मतलब उस कट से पहले तक ही, उसके बाद स्लो कर लेना जो भी आगे पीछे जाता है। तो भाई अब एक बार मैं बेल्ट लगा लेता हूँ भाई, रोड पूरा खाली है, ऑलमोस्ट एक दो व्हीकल है, तो सेफ्टी वगैरह सारी है भाई। भाई 3-2-1 पे शीशा नीचे करो, शीशे ऊपर कर लेना ऑलमोस्ट, और 3-2-1 एसी वैसी बंद है, ठीक है भाई? 3-2-1 डीके भाई करेंगे, डीके भाई चल। तो भाई 3-2-1 पे 3-2-1 ये भाई निकली थार, लेफ्ट में रखना भाई। और भाई ये, भाई ये एक्सपेक्टेड नहीं था पहले गियर में, फॉर्च्यूनर देखिए आप, ये भाई अब निकली है फॉर्च्यूनर, ये भाई गैप बना। तो भाई आई थिंक भाई स्लो कर लो भाई, 60-70 तक तो आगे थी इनिशियल टॉर्क। और भाई ये पेट्रोल वेरिएंट है, डीजल वेरिएंट होता तो आई थिंक और ऑटोमेटिक में थी, इसको भाई मैनुअल गियर शिफ्ट में भी करेंगे, तो भाई ये तो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था कि गैप बना जाएगी। बट अब एक बार भाई सेकंड राउंड शुरू करते हैं, इसमें तो भाई 60-70 की स्पीड तक आई थिंक फॉर्च्यूनर पीछे रह गई। यहाँ पे थोड़ा ये फर्क हुआ कि जो अपना ऑटोमेटिक भाई लगा कि 1-2 सेकंड पहले उठ गई, और साथ ही जो गियर शिफ्ट करने में टाइम लगता है, उस वजह से भाई कह रहे हैं कि भाई शुरू में भी पीछे छोड़ देंगे थार को। तो सेकंड राउंड में सेम भाई 4x2 में उठाते हैं, ठीक है? और अब की बार भाई 3-2-1 पे एग्जैक्ट भाई बिल्कुल सेम टाइम पे भाई, थोड़ी आगे कर लो फॉर्च्यूनर, थोड़ी सी आगे कर लो, बस 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 बस। अब भाई सेम 4x2 ऑटोमेटिक में अब देखते हैं, लेकिन भाई अच्छी टक्कर दी, अब करते भाई 3-2-1 पे, ठीक है? 3-2-1 ये भाई एक साथ उठी, राइट में दबाओ भाई, ये 60-70 तक तो है भाई टक्कर, बढ़िया 80 पहुंच गई थी ऑलमोस्ट गाड़ी। और उसके बाद भाई फॉर्च्यूनर नहीं छोड़ दी, वो भाई पूरा कहते हैं टोयटन पूरी जाने की गाड़ी लगा रखी है, स्लो कर लो भाई स्लो कर। तो भाई 80 तक तो टक्कर है, हाँ भाई। और भाई मैं भाई बहुत आगे थे, बहुत सही डिफरेंस था, मतलब गाड़ी के बजट के हिसाब से, और इंजन आप देखेंगे भाई 80 की स्पीड तक तो अपनी है, 70-80 तक तो टक्कर है। हाँ लेफ्ट दबा लिया आपने, थोड़ी लेफ्ट दबा ली, हल्की सी वो हल्की दब गई वो, पता है अगर यहाँ से जाऊंगा थोड़ी लेफ्ट दबा के रखनी पड़ेगी, है ना? ना अब लगाऊंगा 4x4। ले भाई ये आ गए अपने डीके भाई, भाई
इक्के नु कर मैं जिताऊंगा। 4x2 में जिताओगे यार? 80 तक ही आगे थी भाई, डीजल ना भाग रहे इतनी। तो भाई डीजल में जितनी आपकी मैं और मेरी माँ को तो लास्ट में गए, डीजल पेट्रोल में इतना गए थे। हाँ भाई थार डीजल के साथ थार पेट्रोल कराएंगे जल्दी वीडियो, ठीक है? डीजल की मैंने जिताई, स्कॉर्पियो मैंने जिताई, दोनों जिताई। अब मेरी गाड़ी अब तक एक रेस नहीं आ रही है, एक नहीं आ रही भाई, फॉर्च्यूनर भाई वाली। भाई आपकी गाड़ी नहीं हराऊंगा एंडेवर से, आप खुद ही हराओगे एंडेवर से हराओगे। आप 7W से टक्कर दे जाएगा भाई, 7W में तो आगे निकाल जाएगा फॉर्च्यूनर। तो भाई जल्दी अगले ऑटोमेटिक को फर्क आओ पूरा, बिल्कुल बिल्कुल, हफ्ते से 10 दिन में भाई 7W एंडेवर इनोवा क्रिस्टा क्रेटा सबकी ड्रैग रेस आने वाली। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे भाई, 4x2 में चलाओगे या 4x4 में? 4x2 में हो जाए, एक सेम 2 में है ना भाई। चलो भाई एक 4x2। तो भाई एक अपना ये डीके भाई जो है अभी तक मतलब 10 में से ऐसा हुआ है कि 10 की ऑलमोस्ट 10 रेस जीते हैं, एक आदमी में कोई हो गए तो पीछे हो गए, नहीं तो 10 की 10 रेस जीते हैं। तो भाई अब चलते हैं, अगर गाड़ी तो ना आ रही भाई, अब करेंगे भाई 3-2-1 पे सीधे उड़ा, 3-2-1। अरे रुक 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 रुक, क्यों होया भाई? उठाई ना भाई ने तो, भाई दोबारा ट्राई करते हैं, बैक ले लो भाई, बैक ले लो भाई, बिल्कुल। अब गाड़ियों के जो ऊपर एलिमिनेशन आती है ये भी नहीं हटाई है भाई ने, खुला पड़ा है यार। ले तो भाई ले, आप रेस इतनी दे रहे हो, हाँ हाँ आगे ले ली, थोड़ी आगे ले ली आप, थोड़ी सी पीछे ले, थोड़ी सी आगे लो, थोड़ी सी ना ना बराबर है, बस 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 रे यार नंबर भाई 3-2-1। ये उठी भाई दोनों गाड़ी एक साथ, राइट दबा राइट। यहाँ पे भाई वही बात है, पूरी टक्कर है अपनी, लेकिन भाई तीसरा गियर जब फोर्च्यूनर का लगता है ना तो भाई गैप बना जा रही है, सेम बन रही है बात जो पहली दूसरी में बनी थी ना, कि भाई उसके साथ क्या कहते हैं 4x2 में पहले दूसरे 80 की स्पीड तक टक्कर दे रही है, उसके बाद अपनी फोर्च्यूनर जो है वो आगे निकल जा रही है। तो भाई वीडियो में मजा आ रहा है तो भाई कंटिन्यू देखते रहिए, अभी एक बार 4x4 में और लगवाते हैं, 4x4 में देखते हैं फिर कितना फर्क पड़ता है। हालांकि आप कहोगे 4x4 का भाई स्पीड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भाई एक बात क्लियर कर दूं, इनिशियल पिकअप और टॉर्क पे फर्क पड़ता है। हाँ जब निकल गई जल्दी आगे 4x4 में लेंगे, अब 4x4 में लग गई, एक बार ट्रैक्टर निकल जाने दी भाई। तो भाई यहाँ से थोड़ा एक दो व्हीकल आ जाते हैं बीच में, तो ये आ रही भाई थार अपनी, अब जाएंगे भाई 4x4 पे, तो 4x4 पे देखते हैं कि भाई कितना फर्क रहता है। अब भाई इनिशियल पिकअप का जनवन फर्क पड़ता है, 4x4 में गाड़ी की पावर बढ़ जाती है, एक मिनट रोक लो भाई, ठीक है? तो भाई अब चलाएंगे भाई, थोड़ी सी जरा सी आगे करो, जरा सी बिल्कुल, या बराबर ही है ऑलमोस्ट, ये देख लो भाई बराबर खड़ी है दोनों गाड़ियाँ, साइड से दिखा देता हूँ बिल्कुल। तो भाई अब करते हैं 4x4 पे शुरू भाई, एक मिनट, अरे रुक जा गुरु भाई, अपनी गाड़ी लग गई है 4x4x4 पे, और अब भाई 3-2-1 पे बाइक देख के 3-2-1। ये उठी भाई, और ये भाई अब तो और ज्यादा आई थिंक गैप बना दिया है, लेकिन वही बात है भाई तीसरा गियर लगते ही फॉर्च्यूनर भाई नहीं छोड़ रही भाई, थोड़ा शायद शीशे भी ऊपर थे, फर्क पड़ता है इससे भी, है ना थोड़ा, बस 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 अब रोक दो भाई, रोक दो, हली ले ले, हली 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 तू घुमाओगे इसने। ये भाई तीसरे गियर में ना छोड़ रही भाई फॉर्च्यूनर, तीसरे गियर में ना छोड़ रही। तो भाई यहाँ पे थार डीजल अभी अवेलेबल होगी कुछ दिन में, तो उसके बाद थार डीजल और पेट्रोल की ड्रैग रेस आने वाली है, और थार डीजल और स्कॉर्पियो की ड्रैग रेस आने वाली है, फिर देखते हैं। लेकिन भाई आपके हिसाब से डीजल वाली थार सही पिकअप है या फिर पेट्रोल, पेट्रोल का पिकअप है? तो अब भाई एक बार टग ऑफ वॉर और करवा के देख लेते हैं। तो भाई ये थी वीडियो, और अपने भाई देख लिया आपने भाई, चाहे 4x4 लगा लें या 4x2 में रहे, तो जो अपनी थार पेट्रोल है उससे अगर फॉर्च्यूनर की टक्कर कराते हैं तो भाई तीसरे गियर के बाद फॉर्च्यूनर नहीं छोड़ती, और अगर ज़्यादा आरपीएम पे उठे। और भाई यहाँ पे आप कमेंट करोगे कि ड्राइवरी का फ़र्क है, तो उसमें भाई ड्राइवर चेंज भी करके देख लिए, और एक से एक है अपने सारे भाई। आपका केतन भाई, सबसे पहले भाई केतन भाई आप जानते हो फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो वाली ड्रैग रेस वाली वीडियो से, और बाकी भी और वीडियो में है, तो भाई का चैनल आ रहा है
केतन तवर व्लॉग्स या केटी व्लॉग्स जल्दी, और मतलब चैनल का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर ये वीडियो डालने के बाद आप महीने 15 दिन बाद देख रहे हो तो चैनल पे जाएं। आगे आगे जो ड्रैग रेस होने वाली है उन सब के भाई व्लॉग आने वाले हैं और उनके भी शॉर्ट्स और सारा मतलब व्लॉगिंग से रिलेटेड रहेगा चैनल, तो वो चैनल जाके सब्सक्राइब कर ले, लिंक आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा भाई अमन भाई, आपने थार पेट्रोल चलाई अपनी, तो ओवरऑल क्या रिएक्शन है कि मतलब किस स्पीड तक टक्कर दे रही है और क्या चल रहा है? 70-80 तक, उसके बाद फिर फॉर्च्यूनर पछाड़ दे रही है। बिल्कुल, तो भाई फॉर्च्यूनर टोयोटा का हाथी है और थार अपना महिंद्रा का हाथी है, तो भाई ये गैप लाजमी भी है भाई। एक अपनी 40-45 लाख की गाड़ी है, एक 15-16-17 लाख तक की गाड़ी है, तो इतना फर्क आएगा। केतन भाई आपका क्या रिएक्शन है बताइए? भाई डीजल से अच्छी है भाई। डीजल से अच्छी है, हाँ भाई ये एक रिएक्शन है सारे भाइयों से कि जो अपना डीजल वेरियंट है थार, उससे अच्छा टोर्क पेट्रोल वाली में भाई। माइलेज वाले तो भाई अपना भाई जो भाई ने ली है खुद का ही पंप है, तो भाई 15 की है भाई पॉइंट ये है, यहाँ पे भाई जब गाड़ी लेने गए तो इन्होंने पूछा भाई माइलेज किसकी ज्यादा है, डीजल या पेट्रोल? वो बोले भाई डीजल की ज्यादा है, तो भाई पेट्रोल लेते हैं, अपना पंप खुद का है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे। तो भाई इस पॉइंट पे इन्होंने पेट्रोल की डिलीवरी ली है और जल्दी थार डीजल वाली भी आ रही है। तो ड्रैग रेस का कंटेंट भाई और जेन्युइन आता रहेगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, केतन भाई का चैनल विजिट कर ले, और डीके भाई को आप जानते हो तो केतन भाई के चैनल में भाई डीके भाई दिखेंगे आपको सबसे ज्यादा। और भाई डीके भाई, केतन भाई, अपने सारे भाइयों की जो इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जाके फॉलो कर ले भाई, डेली अपडेट्स रहने, क्योंकि भाई मेरे चैनल को ग्रो होने में इन भाई इन सब का बहुत बड़ा हाथ है। जेन्युइन जो वीडियो उठी भाई फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो की, स्कॉर्पियो थार की, तो ये सारे भाई अपने वीडियोज में थे, तो थैंक यू तो क्या ही बोलो यार, थंबनेल के धन्यवाद दो भाई। XUV 700 एंडेवर थार डीजल, थार पेट्रोल, फॉर्च्यूनर, इनोवा क्रिस्टा, सारी गाड़ियां आ रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा भाई। अपने हरियाणा में क्या सबको पता है, सावे चल रहे हैं, राइडिंग सीजन चल रहा है, तो लोग कम अवेलेबल हैं, तो इस वजह से दिक्कत है। बाकी भाई जल्दी वीडियो आती रहेंगी, तो थैंक यू भाई अमन टाइम निकालने के लिए, और भाई थैंक यू, मिलते हैं जल्दी, ओके बाय गाइस।